तो दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखने वाले हैं और आपको एक और इम्पोर्टेंट अपडेट हम आपके सामने पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय सेमेस्टर जिन बच्चों का नाम प्रत्यावेदन में नहीं आया क्या होगा, पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। क्या दोस्त उन बच्चों को मौका नहीं मिलेगा? देखिए, आपको बता दें, जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किए जा रहे हैं उसकी लास्ट डेट है 12 नवंबर। 12 नवंबर के बाद किसी भी तरह से कोई आवेदन नहीं होगा, ठीक है? तो एक पीएनपी में जो कॉल की गई, उसके बाद दोस्तों जो एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, उस ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग को हम आपके सामने रखते हैं और देखते हैं आगे जो भी अपडेट्स आएंगे, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे दिया जहां से आप लोग अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। परीक्षा डेट शीट द्वितीय सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना। बाकी हम मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, सभी बच्चे लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो भी अपडेट निकल कर आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग को जरा सुनिए। हेलो। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। सर। ये जो सेकंड सेमेस्टर का सर जो प्रत्यावेदन वाला, उनका सर कब तक ओपन होगा? और कुछ लिस्ट नहीं हो रहा तो उनका, नहीं होगा, सर जो एसटीआरटी जमा किए गए तो उनका कुछ नहीं वो होना सर? सब खत्म तो हो चुके हैं, वो खत्म, कुछ नहीं होगा उसमें। अब सर फिर उनको क्या बोलते, फोर्थ भी देने को नहीं मिलेगा फिर उनको? नहीं, खत्म हो गया उनका तो, समय समाप्त हो गई ना। नहीं मतलब वो जो जो नियमावली थी वो समाप्त हो गई है? नियमावली में पावर नहीं है, नियमावली में 30 दिन के अंदर कोई अपील करता है तब उसका निस्तारण होगा। ये नहीं नहीं है वो कि 3 साल बाद कोई कोई अपील कर रहा है तो उसका निस्तारण किया जाएगा, नहीं वो गलत सर, था वो जो। जब एसटीआरटी में जमा हो रहा था प्रत्यावेदन तब सर जमा किया गया हाँ, था, तो बहुत सारे लोगों ने जमा किया था। किया गया था, वो बियॉन्ड रूल जाके डायरेक्टर ने दिया था, वही तो हाईकोर्ट में चैलेंज हो गया। हाईकोर्ट जवाब मांग रहा, कह रहा क्यों रिक्वेस्ट कर दिया जाए पुराना जितना है सब, नहीं जितने लोगों का मौका मिलेगा उन लोगों को क्या होगा सर फिर? वो सब कर, वो भी रिजल्ट कैंसिल करने जा रही है हाई कोर्ट। ओके सर। और सर ये डीएलएड की मार्कशीट कब तक आएंगी सर? जो जब लोग आपका कुछ है ही नहीं तब मार्कशीट लेके क्या करोगे आप? सर नहीं जब आपका 2019 समाप्त हो गया, जब आपका समाप्त हो गया अभ्यर्थन, तो मार्कशीट लेके वो तो बेकार है फिर आपके लिए। सर, हमारा 2019 बैच के, हमारा पास आउट हो चुका, मेरा क्लासमेट है उसके, उनकी बैक है सर, हमारा पास आउट हाँ हो तो चुका है उनको पूरा। तो ठीक है, बाकी 19 बैच की जो है थर्ड सेमेस्टर तक की मार्कशीट हम लोग भेजे हैं, फोर्थ सेमेस्टर की 10 दिन बाद जाएगी। 2 दिन के बाद मतलब सारी भेज चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड की जा चुकी हैं, फोर्थ की बाकी है सर, है ना? हाँ ठीक है सर। तो मतलब क्या कॉलेज आईडी पे जा चुके हैं ना? अभी हम कॉलेज जाके निकलवा सकते हैं ना सर? कॉलेज आईडी पे नहीं है वो, उसका प्रिंट आउट गया हुआ है, प्रिंट जाएगा यहाँ से, वो ऑनलाइन नहीं है मार्कशीट कोई। अच्छा, मतलब 19 बैच की सेमेस्टर कोई भी मार्कशीट ऑनलाइन नहीं है, जी कॉलेज में ऑफलाइन मिलेगी आपको, है ना सर? जी 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 ओके सर, थैंक यू।